शगुन, यू आर टू लकी। इतने बड़े स्केल पे वेडिंग हो रही है। कहते हैं ना, सेकेंड टाइम लकी। बेटा, आप मेहंदी लगवाओगे थोड़ी सी? लिटिल बिट? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। शो क्या, कहाँ घूम जाती हो यार? बोर हो गया मैं तो खड़े खड़े। अरे बोर, यहाँ पापा बोर हो रहे हैं, वहाँ बेटी बोर हो रही है, दोनों एफर्ट ही नहीं ले रहे हैं। दुनिया भर के एफर्ट तो तुम लेके बैठी हो। मैं ना सिर्फ फंक्शन खत्म होने तक का एफर्ट ले रही, उसके आगे कुछ नहीं। अच्छा सुनो ना, एक काम करते हैं, एक प्लेट पकड़ते हैं, कुछ खाना शुरू करते हैं, बोर्डम खत्म हो जाएगा हमारा। अजीब स्टाइल है बोर्डम खत्म करने का तुम्हारा, चलो। अरे हर चीज में कंप्लेन। ओके, सो दिस इज व्हाट आई कॉल अ मॉडर्न फैमिली। अपनी एक्स वाइफ की मेहंदी लगवाने सह परिवार आए हो रमन भल्ला। खैर अब आ ही गए हो तो मेरी जीत और अपनी हार का तमाशा देख के जाना। वैसे कैसे लगता है रमन, अपनी बीवी और अपने बच्चों का नाम मेरे साथ जुड़ते हुए देखकर? तुमने नोटिस किया है कि हम हर चीज शेयर कर रहे हैं, बीवी, बच्चे, और तुम्हारी साली अब मेरी नहीं, मेरी तो सहलेज होने जा रही हो। अशोक, हम शगुन के लिए बहुत खुश हैं कि उसकी शादी हो रही है फाइनली, और यहाँ आए हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए, अपनी बेटी को उसकी मम्मी का फंक्शन अटेंड करवाने। हम चाहते हैं कि वो अपनी मम्मी की खुशियों में सम्मिलित हो। मुझे लगता है कि तुम भी चाहते हो कि शगुन खुश रहे, तो आज हम सब ऐसा ही करेंगे जिससे कि इन खुशियों में कोई व्यवधान ना हो। प्यार मोहब्बत से ही सगाई, मेहंदी, सारे फंक्शंस सब खत्म हो जाने चाहिए, राइट? तो प्लीज नो फाइट्स। हे दूल्हे मियां, looking very nice, congratulations. Thank you, it's good to see you. Likewise. Hi. Hi. वैसे अशोक, तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो सिर्फ मेरे वजह से, तो मुझे तो आना ही था यहाँ पे। वैसे एक बात कहनी होगी, 6 साल हो गए ना तुम इंतजार करते हुए, मानना पड़ेगा तुम्हारे प्यार को, इतने patiently इतने साल रुके रहे। You know how they say, love conquers all, you know. Exactly. Love is the best. क्यों रमन? वैसे रमन, I hope you don't mind, लेकिन मैं अपना अगला कॉन्ट्रैक्ट अशोक के साथ साइन करने वाला हूँ। It's a wedding gift from my side. Sounds good. यहाँ शादी खत्म होगी, वहाँ हम दोनों साइन करेंगे। यहाँ फेरे, वहाँ डील। ठीक है, तुम्हारी डील। Anyways, a little bit of donation never harmed anybody. Anyway, मैं जरा और गेस्ट को अटेंड करके आता हूँ। वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि आप तीनों तो वैसे ही एंटरटेन्ड है काफी। Sure, sure, go ahead. हाँ तो इशू, क्या खिला रही हो? चलो देखते हैं। Come on, बड़ी भूख लगी है। Come on, come on. शगुन, I think रूही बहुत बोर हो रही है। क्या हुआ बेटा, बोर हो रहा आपको? पापा कहाँ है? Oh no, maybe आदि के रूम में गए हो? Go see. पापा, पापा, ये तो आदि भैया का रूम नहीं है, मैं तो यहाँ पहले भी आई थी। हेलो बेटा, आपके पापा कहाँ हैं? वो तो नीचे है। जाओ बेटा, उन्हें बुला कर ले आओ। ये क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? चलो हटो। इस लड़की ने। सॉरी अंकल। ओ शट अप। शिट। ये क्या केस? सॉरी। यू बड़ी नॉनसेंस। क्या किया ये? बदतमीज लड़की। निकल यहाँ से। तो मैं तो बस। वोट बस। चल जा भाग। सॉरी। लुक बेबी, कितना डार्क कलर आया है। हाँ थोड़ी वाइन पी लो, शायद ये कलर और डार्क हो जाए। यू ना लव इट। शिट, गॉड, शी मेहंदी। शट अप यार, शकुन देखती नहीं हो तुम यार, तुम्हारी मेहंदी खराब होगी और मेरे कपड़े। सॉरी। अरे किस्मत में कुछ अच्छा लिखा भी है या नहीं?
से सो नोट हो जाए। अब मैं मेहंदी वाली को बुला लूंगी, सिर्फ फिक्सेट। क्या ठीक कर देगी वो? तुम रूही को संभाल नहीं सकती हो? बच्चों का प्लेग्राउंड है क्या? वो भी हमारे लिए खुश नहीं है यार। This is ridiculous. Everybody's trying to mess it up. रूही, क्या कर रही हो? हाँ, प्लेग्राउंड है क्या? कहाँ भाग रही हो? जी पूरी मेहंदी खराब करती, उस घर में कोई मैनर्स नहीं सिखाता तुम्हें। हाँ, छोड़ दूंगी ना। इशिमा, क्या इशिमा? इशिमा वन टाइम सिला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की? तुम्हारी बेटी? She's my daughter. मेरी बेटी है वो। तुमने उसे सिर्फ जन्म दिया है, बेटी नहीं है वो तुम्हारी। जिस बेटी पे मैंने आज तक अपनी आवाज नहीं उठाई, तुमने उस पर अपने हाथ उठाने की कोशिश की? How dare you do that, Shagun? मेरे ही घर में तुम मुझे सिखाओगी कि मैं अपने बेटी से कैसे बात करूं? हा? तुम्हारी बेटी शगुन, तुम्हारे अंदर सिर्फ खुदगर्जी भरी है। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी शादी, तुम्हारा घर, तुम्हारा फंक्शन, तुम्हारा डिवोर्स, तुम्हारा कस्टडी केस, कोर्ट कचहरी, इन सब का असर पड़ा है मेरी बेटी पे, रूही पे। तुमने आज तक सोचा है कि तुम्हारे कारण वो किस दौर से गुजर रही है? नहीं, because you just don't care. तुम्हें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि उस बच्ची पे क्या असर हो रहा है तुम्हारे कारण। इशिमा, शगुन मम्मा, रमन, अशोक, इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, और ये बच्चे, ये तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखते। तुम्हारे लिए मायने रखता है सिर्फ तुम्हारा रेपुटेशन। तुम्हें अपने बच्चों की और कभी याद नहीं आती? सिर्फ इन बड़े फंक्शंस में, जब तुम्हें किसी फैमिली पिक्चर के लिए पोज करना होता है, तो अचानक अपने बच्चों की याद आ जाती है। जब एक अच्छी माँ होने का दिखावा करना होता है, तब अपने बच्चों की याद आती है। तो प्लीज, मेरी बच्ची को कभी जिंदगी में अपनी बच्ची मत कहना। रूही सिर्फ मेरी बेटी है। अपने हाथ को और अपने आप को मेरी बेटी से दूर ही रखना, वरना मेरा हाथ उठते देर नहीं लगेगी। रोते नहीं रही, खासकर ऐसे लोगों की वजह से। और रिश्ता तुम भी किसे समझा रही? जिस औरत ने आज तक अपने बच्चों से प्यार किया ही नहीं, उसे प्यार जताना क्या खाक आएगा? तुम सुन लो, आज के बाद मेरी बेटी इस औरत के किसी फंक्शन में नहीं आएगी। रुई चलो यहां से। इसलिए मैं चाहता था कि शगुन ही तू यहीं रुक, ये झगड़ा तेरा नहीं। लेकिन भाई, मीर, तुम्हारी बहन का फंक्शन है, रुको यहाँ पे। तो आपके बात माननी चाहिए थी कि इतनी बुद्धू हूं ना, मैं क्या बताऊं, मैं कैसे कैसे लोगों की बातों में आ जाती हूँ। शगुन, आप लोग बहुत सही कहते हो मम्मी जी, वो भरोसे के लायक ही नहीं है। मैंने तो मिहिर, मीका, रूही, इन लोगों के लिए सब कुछ किया। मैंने सोचा कि इन सब के लिए अच्छा रहेगा, रूही अपनी मम्मी के करीब जाएगी। लेकिन नहीं मम्मी जी, इतनी बड़ी गलती हो गई है मुझसे। शगुन ने जैसा व्यवहार किया ना रूही के साथ, मुझे इतनी गुस्सा आ रही है मम्मी जी। अपने आप को कोई कैसे सजा दे, आप बताओ।